अस्सलामुअलैकुम। ये जो मेरे सामने आप पौधे देख रहे हैं ना, ये लोबेलिया के पौधे हैं और ये बहुत अच्छे खूबसूरत पौधे हैं। इसको हम दो तरीक़े से लगा सकते हैं और डिफरेंट कलर है। देखिए इसको, ये आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा, ये पर्पल है और ये वाइट है, तो ये डिफरेंट कलर हैं इसके। अच्छा, मैं ये दो तरीक़े से इसको हम लगा सकते हैं। एक तो हम सीड्स के ज़रिए लगा सकते हैं और एक इसकी हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास लोबेलिया के ये सीड हैं और इससे मैंने ग्रो किए थे लोबेलिया के पौधे। ये बहुत खूबसूरत देखने में, हालांकि बहुत छोटे छोटे पौधे हैं लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लावर है। छोटे पौधे भी हैं और फ्लावर भी छोटे हैं। अच्छा, इसके सीड जो होते हैं ना, ये लोबेलिया के जो सीड होते हैं ना, बहुत टाइनी होते हैं और ये टाइनी सीड जो है ना, ये ग्रो करने में 12 से 15 दिन लग जाते हैं इसको। और ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और ये समर में बहुत अच्छे फ्लावर देता है। ये भी एक्चुअली तो विंटर का ही पौधा है लेकिन समर में भी और लेट समर में भी ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। इसमें इसको धूप की ज़रूरत होती है, हर पौधे को धूप की ज़रूरत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसको दो घंटे की अगर सुबह हम धूप दे दें ना इसको, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है ये पौधा और इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे ना, तो ये पौधा जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा और ना इसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको कम धूप में, सुबह की एक दो घंटे की धूप दें और शाम की एक दो घंटे की धूप दें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ये पौधा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो ये तो मैंने, ये जो आप देख रहे हैं ना सीड्स की एक पैकेट है, इससे मैंने कुछ उगाए थे पौधे। तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, बंदा पानी हमें इसमें इतना डालना है कि इसकी सॉइल जो है ना वो मॉइस्ट रहे। सॉइल मॉइस्ट रहेगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। इसके सीड भी बहुत टाइनी होते हैं, इसकी जड़ें भी बहुत नाजुक होती हैं, तो इसको अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे ना, ओवर वाटरिंग कर देंगे इसकी, तो पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा और रूट रॉट हो जाएगी, पौधा ख़त्म हो सकता है। तो लिहाजा हमें एक लिमिट में रहते हुए इसकी वाटरिंग करनी है। और जब ये इसकी पौधे की सरफेस जो है वो ड्राई होने लगे, फिर हमें इसको पानी देना है। लेकिन सॉइल बिल्कुल ड्राई नहीं रखनी है, मॉइस्ट रखनी है। अगर हम मॉइस्ट रखेंगे सॉइल को, तो ये अच्छी तरीके से चलता रहेगा पौधा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो जाएगी। और अगर इसमें अच्छा, इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें ना, तो हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। हर फ्लावर वाले पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम अच्छा इसमें NPK दे सकते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, यानी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस और पोटेशियम की रेशो जो है ना वो 10-10 होनी चाहिए। तो इसके लिए, इस पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है ये फर्टिलाइज़र। और इसका हम इसकी लिक्विड, इसको हम ऑर्गेनिक लिक्विड भी दे सकते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का, यानी इसे कंपोस्ट ही बना के दे सकते हैं हम इसे। और भी अगर हम सरसों की खली जो है फास्फोरस के लिए लिक्विड बना के दे दें, या पोटेशियम के लिए हम केले के छिलके को दे दें वह इसका लिक्विड बना के, तो इसके लिए पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है लोबेलिया एक बहुत खूबसूरत देखने का वाला पौधा है और ये विंटर सीज़न का पौधा है। गर्मियों के दिनों में, समर सीज़न में ये नहीं चलता, जहाँ जिन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी होती है और ठंडक होती है, जिन इलाकों में गर्मी के सीज़न है वहाँ ये चल सकता है। अच्छा, अगर इस पर पेस्ट रख जाए, अगर इस पौधे को पेस्ट लग जाए, तो पेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, यानी एक चम्मच नीम ऑयल लेके और एक लीटर पानी में डिसॉल्व करके तमाम पौधों को दे देंगे। तो ये क्या होगा, ये पौधे इसमें जो पेस्ट लगा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और पौधे जो है वो सही तरीके से
ग्रो करते रहेंगे। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत अच्छा खूबसूरत कलर के इसके फ्लावर हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप भी ये अपने घर में लगा सकते हैं लोबेलिया, इसके सीड मिल जाएंगे आपको, तो आप भी अपने घर में ये उगाइए लोबेलिया। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।